इस टैबलेट का उपयोग जब किसी के किडनी में पत्थरी की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट दिया जाता है। और जैसे कि इस टैबलेट का उपयोग पेशाब की थैली में अगर किसी को पत्थरी की समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये टैबलेट दिया जाता है। ये टैबलेट यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन की समस्या में डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, यानी इसको निकालने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है। और इस मेडिसिन यानी इस टैबलेट इस कैप्सूल का उपयोग डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार की किडनी की समस्या में या फिर किस प्रकार की पत्थरी की समस्या में रहती है या फिर किस किस प्रकार की पत्थरी की समस्या रहती है तब इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इस मेडिसिन का काम क्या होता है, इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये मेडिसिन लेना कैसा होता है, ये मेडिसिन कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर किसी के किडनी में पत्थरी की समस्या हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन खाने के लिए दिया जाता है। जब किसी के किडनी में पत्थरी की समस्या रहता है तो ये मेडिसिन क्या काम करता है, उस पत्थरी को ये तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भाग करके उसे शरीर से बाहर निकालने का काम ये मेडिसिन करता है। और जैसे कि इस मेडिसिन का उपयोग जब किसी के पेशाब की थैली में पत्थरी की समस्या हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन खाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी के पेशाब के थैली में पत्थरी की समस्या रहती है तो पेशाब करते टाइम पेशाब का ना होना, पेशाब रुक रुक करके आना, पेशाब बूंद बूंद करके होता है, और जैसे कि पेशाब करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या होता है, और जैसे कि पथरी की समस्या अगर पेशाब की थैली में रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है। ये मेडिसिन अगर किसी के पेशाब की थैली में पथरी की समस्या रहता है तो उस पथरी को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कि अगर किसी के पेशाब की थैली में पथरी की समस्या रहती है तब ये टेबलेट क्या काम करता है, उस पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उसे गलाता है, फिर उसे ये बाहर निकालता है। चलिए जान लेते हैं ये मेडिसिन कितनी बड़ी कितनी साइज की पथरी को शरीर से बाहर निकालता है। जैसे कि अगर किसी को पथरी की समस्या 3 mm से लेकर 5 mm तक होता है तब ये मेडिसिन क्या काम करता है, उस पथरी को ये बहुत कम दिनों में ठीक करने का काम करता है, यानी उस पथरी को ये तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और जैसे कि यदि किसी को और बड़ी पथरी की समस्या रहता है तब ये मेडिसिन क्या काम करता है, जैसे कि 2 महीना 3 महीना या फिर 4 महीना तक ये मेडिसिन कंटिन्यू लेने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। जितनी भी बड़ी पथरी रहे उसे ये मेडिसिन क्या काम करेगा, उस पथरी को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, जिससे जो आपको पथरी की समस्या रहता है वो ठीक हो जाता है। ये मेडिसिन कंटिन्यू लेने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है 2 से 3 महीने जब किसी को बड़ी पथरी की समस्या रहता है तब। जब किसी के किडनी यानी जब किसी के किडनी में पथरी की समस्या रहती है तो उससे भी व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा परेशानी की समस्या रहता है, जैसे कि पेशाब करते टाइम दर्द होना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब करते टाइम काफ़ी ज़्यादा भवक के जैसा महसूस होना, पेशाब बूंद बूंद करके आना, पेशाब अचानक ना होने जैसा कगार हो जाता है, पेशाब ऐसा लगेगा कि आपको पेशाब बहुत ज़ोर से लगा है लेकिन पेशाब होएगा नहीं, तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है। और जैसे कि यदि किसी को काफ़ी लंबे समय से किडनी में स्टोन की समस्या रहता है तब उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की ज़्यादा समस्या रहता है, तो उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन खाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि जब किसी के पेशाब की थैली में पथरी की समस्या रहती है तो आपने देखा होगा जब वो पेशाब करने के लिए जाता है तो पेशाब रुक रुक करके आता है, पेशाब नहीं होता है, पेशाब करते टाइम काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहता है, तब डॉक्टर के द्वारा इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए यानी पथरी की समस्याओं में यह मेडिसिन दिया जाता है, जिससे जो उसे ये सारी दिक्कत ये सारी परेशानियां होती हैं वो नहीं होने देता है ये मेडिसिन। जैसे कि इस मेडिसिन का मुख्य काम होता है पथरी को बाहर निकालना, जैसे कि अगर आपके किडनी में पथरी की समस्या है, छोटी पथरी है या फिर बड़ी पथरी है, तो उस पथरी को ये आपके शरीर से छोटे छोटे टुकड़ों में ये करके बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कि ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा मेडिसिन होता है, ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है पथरी की समस्या में, या आपकी पेशाब की थैली में पथरी की समस्या हो या फिर आपके किडनी में पथरी की समस्या हो। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस मेडिसिन का डोज क्या होता है, ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा कैसे खाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो इस मेडिसिन का डोज होता है ये डॉक्टर मरीज की स्थिति यानी उसकी दिक्कत को देखते हुए कि इसको कितने दिन से पथरी है, कितने mm का पथरी है, इसे
कितने कंडीशन तक यानी कितना हद तक पथरी इसकी बढ़ गई है या फिर छोटी है, उसके अकॉर्डिंग उसके एज, उसकी उम्र, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इस दवा का डोज डॉक्टर के द्वारा निर्धारित करके खाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि अगर किसी का एज 13 से लेकर 18 साल के बीच में होता है तब डॉक्टर के द्वारा यह मेडिसिन दिन में 2 बार लेने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। और जैसे कि अगर किसी का उम्र 18 साल से लेकर 25 साल, 30 साल, 35 साल, 45 साल या फिर 40 साल, 50 साल तक का होता है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिन में 3 बार भी लेने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो दवा का डोज होता है ये डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत परेशानी और उसके पथरी कितने दिन से है, कितने एमएम का है, उसके हिसाब से डॉक्टर के द्वारा डोज निर्धारित करके खाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि ये मेडिसिन 15 से लेकर 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक डॉक्टर खाने के लिए बताते हैं। जब तक उसकी जो पथरी की समस्या है वो ठीक नहीं हो जाता है तब तक डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन खाने के लिए बताया जाता है। ये टेबलेट आप जब भी लें तो डॉक्टर के द्वारा ये टेबलेट गुनगुने पानी के साथ लेने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि अगर ठंडी का टाइम है तब डॉक्टर के द्वारा आपको 3 से 4 लीटर पानी पीने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि अगर गर्मी का टाइम है तब डॉक्टर के द्वारा इसे 5 से 6 लीटर दिन भर में पानी पीने के लिए बताया जाता है। जैसे कि अगर आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा यूरिन आपको ज़्यादा आएगा यानी पेशाब आपको ज़्यादा लगेगा, तो उसके कारण भी जो आपको पथरी की समस्या जिससे जो आपकी पथरी की समस्या है वो आपके पेशाब के रास्ते बाहर निकल आएगा। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ये मेडिसिन ओवरडोज की मात्रा में लेंगे तब उसे यूरिन का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकता है यानी उससे पेशाब बहुत ज़्यादा लग सकता है। और जैसे कि उसे नोजिया की समस्या हो सकती है, उसे वोमिटिंग के जैसा महसूस हो सकता है, उसके पेट में दर्द की समस्या हो सकता है, उसका बीपी है जो घट बढ़ सकता है और उसे बहुत ज़्यादा नींद की भी समस्या आ सकती है। इसके अलावा और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपको और कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। कभी भी कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें।